24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। एक बार फिर सब विधायकों से मंत्रणा करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना, हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या मंत्री हो, उनसे बड़ा है। और इसीलिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होगी, मैं एक बार फिर सब विधायक, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, सब साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वो इस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय होगा। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में, वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है, और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे, परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है, उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर, और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं। धन्यवाद। सुरजेवाला जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा और फिर आपका सवाल लूंगा। कुछ देर पहले ही एक ट्वीट के माध्यम से भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की,
एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं, दुर्भावना और गलत मंशा से। कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर। पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। ईडी अभी नहीं आया है तो दोपहर तक आ जाएगा और सीबीआई कितनी देर में आएगी ये आप खुद निर्णय कर लीजिएगा। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। धन्यवाद। सर, आपने कहा कि अनेकों बार सचिन पायलट से बात हुई जी, तो उधर से कोई इस तरह की बात आई कि सुलह की बात? आदरणीय मित्र, हर बात जो पार्टी के अंदर का वार्तालाप है उसे टेलीविजन पर या अखबार में चर्चा करना अनुशासन के अनुरूप नहीं हो सकता, परंतु श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में, 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको तीन व्यक्तियों के नाम भी बताए, कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा। उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं, वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूँ अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार भी। रणदीप जी, अभी आपने सचिन जी समेत तमाम विधायकों से अपील की है, जाहिर है सचिन जी इस वक्त दिल्ली में है, 4 से 5 घंटे तो जयपुर अगर आपकी अपील पर गौर करके वो आना चाहें तो इसका मतलब विधायक दल की बैठक क्या शाम तक के लिए आप पोस्टपोन कर? आदरणीय मित्र, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, जिस साथी को भी आना है वो फोन उठाए, श्री अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव यहाँ मौजूद हैं, उन्हें फ़ोन करे और कहे कि मैं 12 बजे तक नहीं या 1 बजे तक नहीं या 2 बजे तक पहुँचूँगा। मुझे विश्वास है अविनाश पांडे जी बहुत तजर्बेकार व्यक्ति हैं और ये खुले मन से उनकी बात स्वीकार कर ले। मुझे वाला जी, अब आपको लगता नहीं कि पायलट अगर वापस आना भी चाहें तो उनकी सिचुएशन या पोजीशन अनटेनेबल हो गई है पार्टी में, क्योंकि जिस तरह से सारा विवाद बढ़ा है, कल उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे पास हैं, निर्दलीय अलग से हैं, और जिस तरह से एसओजी का भी पूरा मामला आगे बढ़ा है,
तो क्या उनके लिए बड़ी एक बतानी की एम्बेरसमेंट होगी अगर वो? आदरणीय साथी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति की, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनकी पोजीशन कांग्रेस में कभी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कांग्रेस का रवैया और तरीका है ही नहीं। और इसीलिए बड़े खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, मैंने पार्टी की ओर से ये बात आपके समक्ष रखी। दूसरी बात, मैंने सचिन पायलट जी का ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा अभी तक, ना उनके ट्विटर हैंडल पे, ना उनकी तरफ से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके दस्तखत से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया बयान कि वो 20 या 25 या 30 या 10 या 5 एमएलए लेकर कहीं चले गए। मैंने नहीं पढ़ा, ना ही हमको इस प्रकार की कोई सूचना सचिन पायलट जी द्वारा दी गई है। तो उनको ये एट्रीब्यूट करना अनुचित होगा और उनके साथ अनफेयर होगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से ये कहा है, वो सचिन पायलट जी हों, वो हमारे दूसरे आदरणीय विधायक साथी हों, सबके दरवाजे कांग्रेस विधायक दल में आए, अपनी बात रखें, कहीं असहमति है तो वो रखें, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और उसका हल किया जाएगा। यही पार्टी का अनुशासन है, यही वक्त की मांग है, यही राजस्थान की मांग है और यही राजस्थान की जनता के प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा भी होगी। सुरजेवाला जी, क्या पार्टी कभी सोचती है कि कैन वी हैव वन बाय वन? यस यस मैम। आर यू गोइंग टू टॉक टू द रेबल्स, बिकॉज़ यू आर सेइंग दैट यू आर ओपन टू हैविंग एनी कन्वर्सेशन विद देम, बट आर यू ऑल गोइंग टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ एफर्ट, बिकॉज़ राइट नाउ देयर कुड बी लॉट ऑफ पीपल हु आर फेंस सिटर्स हु आर नॉट एग्जैक्टली वांटिंग टू गो। जैसा मैम कहा, कल से और आज तक श्री अजय माकन जी ने, मैंने, श्री अविनाश पांडे जी ने अनेकों विधायकों से मेरे ख्याल से, अगर मैं ये कहूँ, उनका नंबर सैकड़ों तक पहुँच गया है, सैकड़ा तक तो गलत नहीं होगा, हमने उनसे वार्तालाप की है। जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी, पिछली बार भी बैठकर उनका हल निकाल लिया गया था। परिवार में, वो हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान में कहावत है, जिसके घर में बर्तन होते हैं उसी के यहाँ खटकते हैं, जहाँ बर्तन ना हो उसके यहाँ खटकते भी नहीं। तो ये पुरानी हरियाणा राजस्थान की कहावत है। इसलिए परिवार में कोई समस्या है, उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता। अगर आप परिवार से टूटकर कहीं और जाएंगे तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। पर हमारे साथी बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेगा। बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का वेलकम कर चुकी है, आप सचिन पायलट का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हुई है? मुझे सूचना नहीं, जेपी नड्डा जी ने आपको क्या बताया है मुझे जानकारी नहीं। सर कल रात तक आपके ने कहा, सर एक मिनट, आपका सवाल लिया है, मैं बार सचिन जी की ओर से वार्तालाप का कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए आदरणीय साथी, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी में क्या क्या डिस्कशन, क्योंकि कई साथी कल से ये सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं, पांडे जी से भी पूछ रहे हैं, माखन साहब से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सचिन जी से बात की। तो मैंने आपको इसलिए कहा, 48 से 72 घंटे में अनेकों बार सचिन पायलट जी से भी, दूसरे साथियों से भी बात हुई। उस बात का क्या क्या मजमून है वो टेलीविजन पर कहना अनुचित होगा। फिर भी एक बार सार्वजनिक तौर से हमें लगा कि आपने सवाल पूछे हैं, आपके साथ उतनी सूचना साझा करना और जनता के साथ हमारा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने ये सार्वजनिक अपील की। सर कल रात को आप लोगों ने कहा था कि समिति पत्र में 109 एमएलए ने हमें सहमति दे दी है जी, कि हमारे साथ है, तो अभी तक और लोगों से भी क्या कुछ बातचीत हुई है एमएलए या उन्होंने आप लोगों से? देखिए मुख्यमंत्री जी की और दूसरे मंत्रीगणों की, विधायक गणों की, चीफ व्हिप की, बहुत सारे विधायक साथियों से बात हुई है। कुछ रास्ते में हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, कुछ डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है, कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे,
भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितने भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो बता दे, बर्तन खड़के क्यों? थैंक यू। जिसके पास परिवार होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे यहाँ पर मौजूद थे, जो कि दिल्ली से खास तौर पर राजस्थान भेजे गए हैं और इसी उठापटक को सुलझाने के लिए। और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि व्यक्तिगत हित से राजस्थान का हित बड़ा है और सबके लिए अभी दरवाजे जो है वो खुले हैं। एक परिवार का हिस्सा है हम, अगर कोई नाराजगी है तो पार्टी में आपस में बातचीत करके उसे दूर करनी चाहिए। इसलिए सचिन पायलट का भी अगर स्वागत है, वो आते हैं तो पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। एक बार फिर सब विधायकों से मंत्रणा करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक, एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना, हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या